मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आपको बताने जा रहा हूँ थोड़ा आरएनसी के बारे में। इस बार का जो पेपर आया है आप लोग जानते ही हैं क्या रहा उसमें, कि देखो कि अब हम आपको बताएंगे आगे वाले पेपर जो दिसंबर में आपका होने वाला है। टाइम बहुत कम है, ओनली 5 मंथ्स बचे हुए हैं और आपको जो है बहुत सारी पढ़ाई करनी है इसके लिए। तो पिछले पेपर में क्या क्या था उसके बारे में बताएंगे, आगे क्या आएगा जो भी एक्सपेक्ट किया जाता है वो भी आपको बताएंगे। और यहाँ समझते जाना कि एक एक पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, इसलिए जो है ध्यान रखें और जो है अच्छे से पढ़ें। तो देखिए आपको बताएं कि आरएमसी का पेपर जो है वो तीन तरीके से आता है, यानी तीन पेपर होते हैं, एक मैथ का, इंग्लिश का और जीए का, यानी कि जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका मैथमेटिक्स जो है 30 क्वेश्चन हर बार आते हैं, 200 मार्क्स के होते हैं, पासिंग मार्क्स के लिए आपको 100 मार्क्स ही चाहिए होते हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इसमें अप्रॉक्स 14 क्वेश्चन आते हैं और 125 मार्क्स के होते हैं, जिसमें आपको पासिंग के लिए तो वैसे तो 50% इसका हुआ जाके 62.5 ही, बट क्या होता है कि किसी में आधा नंबर नहीं दिया जाता है, कभी भी देते हैं। रीडिंग राइटिंग ग्रामर है तो इसमें आपके जो है आधे दिमाग नहीं मिल सकते हैं, तो अप्रॉक्स आपको 63 तो चाहिए ही पासिंग के लिए। और बचा आपका जी, इसमें आपका देखो 75 क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें लगभग में 5 क्वेश्चन आपके कभी कभी रीजनिंग के दे दिए जाते हैं, बाकी जो है 70 क्वेश्चन आपके जीके में आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं करंट अफेयर से, बाकी आपके हिस्ट्री से भी, ज्योग्राफी और आपका वर्ल्ड वाइड जो भी आ जाता है वो आपको पढ़ना है यहाँ पर। तो देखिए ये आपका जीके और मैथमेटिक्स, ये तो मैं आपको बताता रहूँगा डेली, आपका मैथ के साथ एक दिन इंग्लिश होगा, एक दिन आपका जीके होगा। तो मैथ का डेली आपका एक क्लास होगा, इनमें से आपका अल्टरनेट होगा, एक दिन इंग्लिश एक दिन मैथ जीके। चलते जाइए आगे और देखते रहिए। देखिए कि आपके इसमें 3 सेक्शन आते हैं एबीसी, इनमें पहले में आपका रीडिंग पोर्शन जो कि 25 मार्क्स का है, दूसरा आता है राइटिंग पोर्शन जो कि 60 मार्क्स का है, और तीसरा है ग्रामर जो कि 40 मार्क्स का है। ये आप ये ना माने कि ये फिक्स होता है, हर बार में चेंज होता है, कभी ये आता है 20 मार्क्स का, ये 50 का, ये 70 का, इस तरीके से अलग अलग आते हैं। कभी ये देखो राइटिंग पोर्शन कभी कभी 30 मार्क्स का ही आता है, जिसमें आपके ये सारे पोर्शन जो है आपको सामने जो दिख रहे हैं कि देखो लेटर आ सकता है, नोटिस भी आ सकता है, ईमेल आ सकते हैं, स्पीच लिखने का आर्टिकल हो गया, पोएम लिखने का आ जाती है, कभी कभी अपनी तरफ से बना के लिखना है, तो ये सारी चीज़ें हम कराएंगे आपको। पैराग्राफ यानी कि अनसीन पैसेज आपको एक मिलेगा, और उसमें जो है आपको एक पिक्चर दिया जाएगा, पिक्चर को देखकर आपको डिपिक्ट करना है कि क्या क्या उसमें आप लिख सकते हैं, कौन सा टॉपिक लेना है उससे रिलेटेड आपको लिखना पड़ता है। और तीसरा आपका ए से आता है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं इसकी जगह पर और भी पैराग्राफ दे दिए जाते हैं, आपको टॉपिक दिया जाएगा, 2-3 कहेंगे इस पर एक एक पैराग्राफ लिखिए, जो कि कम से कम आपको 150 वर्ड से 200 तक का लिखना पड़ता है। और इसमें स्पीच भी कभी कभी आ जाती है, तो स्पीच भी आपको लिखनी पड़ जाती है इसमें, कि आप जैसे स्टेज पर खड़े होकर क्या स्पीच देते हैं, जैसे कि रिपब्लिक डे पर हो गया, इंडिपेंडेंस डे पर हो गया, और भी आपके प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, गांधी जयंती वगैरह, इन पर सब पर आपको स्पीच अगर देनी हो तो कैसे देनी है, तो वो भी आपको बताया जाएगा यहाँ पर सारा। और ग्रामर, तो ग्रामर तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारे होते हैं, वो सारी एक तरफ से हम यहाँ से पढ़ाएंगे और उन पर जो है प्रैक्टिस कराएंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। बस ध्यान रहे डेली क्लास लेना है और इन सारी चीज़ों को जो है अच्छे से करके देना है। मैं सारे पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, हर दिन चेक करूंगा, और हमारे डाउट सेशन भी होंगे, जो जो पढ़ना चाहता है वो हमें जो है इन्फॉर्म कर दे, मैसेज कर दे, या फिर व्हाट्सएप मैसेज, हमारा एक नंबर है 87-65-13-09-41, सेकेंड नंबर है 8528-43-64-77। तो इनमें से किसी भी नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और सारी चीज़ें हमसे डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और ऑनलाइन क्लासेस जो है आपके चलते रहेंगे अब डेली। आपके देखो 1 जुलाई से या आपके 30 नवंबर तक चलेंगे, क्योंकि आपका 1 और 2 दिसंबर को पेपर हो जाता है, इसलिए जो आपका देखो यहाँ से आपका जो 5 मंथ का टाइम है, इनमें से हम 3 मंथ में ये सारा आपका सिलेबस खत्म करा देंगे, बाकी जो है 2 मंथ बचे हैं, इसमें आपका 1 मंथ में रिवीजन होगा और दूसरे में प्रैक्टिस चलवाऊंगी।
प्रैक्टिस सेट बीच बीच में भी हुआ करेंगे, कभी भी सरप्राइज टेस्ट हो सकता है, संडे संडे आपको ऑनलाइन टेस्ट दिया जा सकता है कि आप उसको करके हमें सबमिट करेंगे तो उससे आपका स्कोर पता लगता रहेगा। और बाकी जो आपका लास्ट का 1 मंथ जो बचेगा प्रैक्टिस सेट के लिए, तो इसमें आपकी स्पीड देखी जाएगी कि आप कितने स्पीड में कर सकते हैं पेपर और कितना टाइम बचा सकते हैं और कितना एक्यूरेसी आपकी होती है, तो सारी यहाँ पर आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ क्लास के साथ, और जो है आज से आपका एक कार्ड और है, हर क्लास आपको आज 2 क्लास मिलेंगे, इसके अलावा बाकी जो है आपको डे बाय डे इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी कि कब कौन सा क्लास होगा, और डाउट सेशन के लिए टाइम आपको अगले सेशन में बता दिया जाएगा। तो थैंक यू।